बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने 10,000 के इनामी हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि पुलिस ऑफिस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने बताया है कि कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला हिस्ट्री सीटर 10,000 का इनामी बदमाश कामरान खान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं, जिसको कोतवाली पुलिस ने आज राइन कब्रिस्तान के पास से 315 बोर का तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। अभियुक्त जो कोतवाली थाना जनपद झांसी का हिस्ट्री सीटर कामरान खान, कामरान पुत्र समीर पहलवान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत पकड़ा गया है। इसपे 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। ये हिस्ट्री सीटर मादक पदार्थों का तस्कर और अवैध शराब का व्यापारी था। इसके द्वारा कई हत्या के प्रयास किए गए और एक हत्या भी की गई है। इसको गिरफ्तार किया गया है, जो झांसी पुलिस के लिए एक सफलता का विषय है। कितने के नाम थे? 10,000 रुपये का इनाम है। इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो उनको प्रदान किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ में हूं ऋतिक सोनी। बुंदेलखंड न्यूज 24 को प्यार देने वाले सभी तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में काम करने वाले सभी एंकर्स, रिपोर्टर्स और वीडियो एडिटर्स की मेहनत का नतीजा है कि आज बुंदेलखंड न्यूज 24 बन चुका है झांसी का नंबर वन चैनल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही आप बुंदेलखंड न्यूज 24 से बने रहें और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 का एक स्पेशल बुलेटिन। हर रात 8 बजे 2 मिनट में देखिए बुंदेलखंड की तमाम खबरें एक साथ।